हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हर एक पॉइंट्स को, जैसे कि मल्टीपल पॉइंट्स, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, कर्स्प, ठीक है, ये जो भी होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में विद ग्राफ्स जानेंगे, और साथ ही साथ मेथड ऑफ जो सोल्यूशन होता है, कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे क्या करना होता है, वो सब भी हम सीखेंगे। और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो यानी कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसका क्वेश्चन है, वो आपको आने वाले वीडियोस में मिलते जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, कि आखिर ये सिंगुलर पॉइंट्स होती क्या हैं। डेफिनेशन क्या है? दोस पॉइंट्स ऑन अ कर्व एट विच, वो पॉइंट किसी कर्व पर विच द कर्व बिहेव इन अ अनयूजुअल मैनर आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। किसी कर्व में वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो कर्व होता है वो किसी अनयूजुअल तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, तो उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। और सिंगुलर पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स आर जनरेटेड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नंबर वन मल्टीपल पॉइंट्स एंड नंबर टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस वीडियो में जो फोकस हमारा है वो है मल्टीपल पॉइंट्स पर, ठीक है। तो मल्टीपल पॉइंट्स क्या होते हैं? अ पॉइंट ऑन अ कर्व through which two branches of the curve pass is called multiple point. Multiple point क्या होता है? देखिए, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और वो किसी एक ही पॉइंट से होते हुए जाएगा, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल पॉइंट्स। अ पॉइंट ऑन अ कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेज ऑफ द, या फिर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जब वो मीट करता है उससे हम बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। अब बात करते हैं डबल पॉइंट की। अ पॉइंट ऑन अ कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस इज कॉल्ड डबल पॉइंट। अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उसे हम डबल पॉइंट बोलेंगे। और मल्टीपल पॉइंट में दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक से ज़्यादा ही होंगे, मतलब उसे मल्टीपल पॉइंट बोलेंगे। ट्रिपल पॉइंट में तीन आ जाएंगे, थ्री ब्रांचेस ऑफ कर्व, जैसे जिसमें टू था इसमें थ्री आ जाएगा, ऐसे ही चार पाँच छः, यानी कि एन पॉइंट्स के लिए यही डेफिनेशन चलती रहेगी। जितने ब्रांचेस होकर उतने ही उसके पॉइंट हम बोलेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट, यानी कि नोड, कस्प, कॉन्जुगेटेड पॉइंट, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नोड की। नोड क्या होता है? कह रहे हैं इफ़ टू ब्रांचेस ऑफ कर्व थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल एंड द टेंजेंट टू देम आर डिस्टिंक्ट, तो उसे हम नोड बोलेंगे। देखिए, हमारा एक कर्व ये है, इसका एक ये हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन रीजन यही पॉइंट है दोनों इस कर्व का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन इस कर्व का जो टेंजेंट है और इस कर्व का जो टेंजेंट है, दोनों ही पी पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, लेकिन दोनों टेंजेंट डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कस्प की। कस्प क्या होता है? इफ़ टू ब्रांचेस ऑफ अ कर्व थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल एंड द टेंजेंट टू देम आर कोइंसाइड, देन डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये कर्व हमारा एक ये है, एक ये दूसरा कर्व है जो कि इस पॉइंट पर टच करता है, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है, और इनका जो टेंजेंट है ये इस पी पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, और ये टेंजेंट इस कर्व को भी टच करेगा और इस कर्व को भी टच करेगा, तो इन दोनों का कॉमन है, कोइंसाइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कस्प बोलेंगे। चलिए, ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट, जिसे हम नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? इफ़ देयर आर टू रियल पॉइंट्स ऑन द कर्व इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द कर्व, देन पी इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेटेड पॉइंट। देखिए, एक हमारे पॉइंट पी होगा, पी, और एक हमारे पास कर्व है, इस कर्व में हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको टच करे, है ना, और ये पॉइंट पड़ोस में ही है लेकिन इनको टच नहीं कर रहा है, तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। अब क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, कैसे पता करोगे कि ये नोड है, कस्प है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, क्या है, कैसे पता करना है? तो वो मैं मेथड आपको अभी बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, आने वाले वीडियोस में उसका हम न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे।
तो ये अगर आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ द डबल पॉइंट, तो सबसे पहले आपको फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट करने आता हो लेना होगा आपको। फिर उस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना होगा एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, और उनको जीरो के इक्वल रखना होगा। रखने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स अगर इस एक्स जो फंक्शन दिया होगा उस पर रखने पर उसको जीरो बना देता है, तो वो पॉइंट्स आपके डबल पॉइंट्स कहलाएंगे। और फिर उन्हीं डबल पॉइंट्स पे आपको चेक करना होगा कि फंक्शन का बिहेव कैसा है, नोड है, कस्प है, ये क्या है। तो देखिए आपको क्या करना होता है, तीन चीज़ें निकालनी होती है, एक ये और ये, ठीक है। अगर मैं जनरली बोलूँ तो ये आपका आर होता है, ये आपका टी होता है, ये आपका एस होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही। या अगर आपको नहीं भी देखना है तो यहीं से समझ लीजिए कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये आपको कैलकुलेट करना है। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर काउंट करना है, और डेल स्क्वायर एफ इन अपॉन डेल वाई स्क्वायर काउंट करना है। अगर इसकी वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल से ज़्यादा होती हैं तो वो नोड होता है, ठीक है। और अगर कम होती है तो कॉन्जुगेट पॉइंट होता है, और अगर इक्वल होती है तो वो कस्प होती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और हमें आपका सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट करके बता